हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है और उसके नेचर क्या होता है। ठीक है, अब अपन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने प्रपाउंड किए थे और उसने कितने प्रिंसिपल्स प्रपाउंड किए थे और क्या उनके प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में अपन समझेंगे। सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रपाउंड किए थे वो कौन थे? हेनरी फयोल। हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और हेनरी फयोल ऐसा वॉज द फर्स्ट बिजनेस मैन या वॉज द फर्स्ट मैनेजर हु हैज़ पब्लिश्ड द हु हैज़ मेड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दैट्स वाई वी आर ऑल्सो नो एज हेनरी फयोल एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट के फादर अपन किसको कंसिडर करते हैं? हेनरी फयोल को कंसिडर करते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये चीज़ को ध्यान में रखना कि भैया फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज हेनरी फयोल इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार आपसे ये क्वेश्चन वन मार्क में पूछा जाता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों में आंसर क्या आएगा? हेनरी फयोल ही आएगा। ठीक है, अब हेनरी फयोल का आपको पूरा बायोडाटा दिया हुआ है, ग्लांस में आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि उनने भैया कौन सी बुक लिखी थी, कितने उनने प्रिंसिपल प्रपाउंड किए थे। तो ये चीज़ तो ध्यान रखना ही है कि उनने क्या है 14 प्रिंसिपल प्रपाउंड किए थे मैनेजमेंट के, और उनका एक ही अप्रोच था कि भैया मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल होता है। मतलब हमेशा मैनेजमेंट टॉप लेवल से चालू होकर बॉटम लेवल पर जाके ख़त्म होगा। यदि इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कर रहा है तो वो मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फयोल, फयोल के हिसाब से मैनेजमेंट के कंसेप्ट क्या होते हैं? तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है टेक्निकल का। तो टेक्निकल क्या है? टेक्निकल रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन फंक्शन। दूसरा है कमर्शियल, कमर्शियल फंक्शन आर नोन एज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद है फाइनेंशियल, सर्च ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, कैपिटल को 100% ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम जिस पर वो रिटर्न दे सके उस यूज़ पर अपन उसको खर्च, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन उसको यूज़ करें ताकि वो मैक्सिमम रिटर्न अपने को दे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी हो गया भैया, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन, पर्सन और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना, और अकाउंटिंग इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग में स्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूड है आपकी, और मैनेजीरियल, मैनेजीरियल एक्टिविटी तो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी थी, क्या है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं मैनेजर मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग। भैया हेनरी फयोल के हिसाब से कितनी क्वालिटीज़ एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए? तो सबसे पहला होना चाहिए क्या? फिज़िकल क्वालिटी। फिज़िकल क्वालिटी में क्या है कि भैया अगर मैनेजर की साउंड हेल्थ अच्छी होना चाहिए उसकी, और अगर उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं होगी तो वो प्रॉपर खुद काम नहीं कर पाएगा, तो भैया बाकी वर्कर से या बाकी रिसोर्सेज से किस तरीके से वो प्रॉपर काम करवा पाएगा। दूसरी होती है मेंटल क्वालिटी। मेंटल क्वालिटी, आ मैनेजर शुड पोजेस एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हेनरी फयोल या किसी भी अपनी जनरल लैंग्वेज में भी, जनरल सिनेरियो में भी अपन देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि भैया एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए कि उसके अंदर मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होना चाहिए। भैया फिजिकल हेल्थ कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो कोई चीज़ को प्रॉपर समझ नहीं पाएगा और प्रॉपर आगे समझा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये एक मेंटल क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर कि भैया कुछ भी किसी भी कंडीशन के रिगार्डिंग वो उस कंडीशन को समझ पाए और उस पर एक्शन ले पाए। फिर है मोरल क्वालिटी। मोरल क्वालिटी में क्या है? इट अंडर इट कम्स द एनर्जी एंड फर्मनेस टू हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स, ही शुड बी एवर रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया मेंटल क्वालिटी, मोरल क्वालिटी क्या है कि भाई कोई भी कंडीशन अगर हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है भैया, और कल कुछ हो जाता है तो उसको वो क्या करे, उस फ्यूचर में कुछ अगर अनसर्टेन क्राइटेरिया हो जाता है या अनसर्टेन कंडीशन अगर हो जाती है तो उस कंडीशन को वो क्या करे, एक्सेप्ट करे और उसको दूर करने की कोशिश करे। तो ये उसके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। जनरल एजुकेशन क्वालिटी भैया, उसके अंदर थोड़ी बहुत एजुकेशनल क्वालिटी होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिटी, उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए भैया, जब भी काम वो कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, भैया हेनरी फयोल ने कितने प्रिंसिपल प्रपाउंड किए थे और उनके प्रिंसिपल क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि हेनरी फयोल ने सीधा सीधा ध्यान दिया है कि भैया स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क में। ठीक है, तो उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखना है, स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क पे काम करेंगे। उनके हिसाब से क्या था कि अगर काम स्पेशल हो जाएगा, काम परफेक्ट हो जाएगा तो काम, बाकी का काम मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपरली काम कर पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला देखें तो डिवीजन ऑफ वर्क में, डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फयोल ने किस चीज़ पर ध्यान दिया, किस चीज़ पर स्ट्रेस आउट किया कि आप काम को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि भैया सही पर्सन सही तरीके से सही काम को कर पाए, जिससे जो काम आता है उससे वो काम
कराया जाए। यदि उससे वो काम नहीं करवाएंगे तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा और आपने जो गोल बनाए हैं वो गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हेनरी फयोल ने इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया था कि भैया काम प्रॉपरली डिवाइड हो, यदि काम सही तरीके से डिवाइड होगा तो वर्कर्स इफेक्टिवली काम कर पाएंगे और जो गोल बनाए हैं वो इजीली अचीव किया जा सकेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मतलब क्या हो गया कि भैया आपको मैंने अधिकार दे दिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि अब आपकी ये जिम्मेदारी होती है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू मैनेजर हेनरी फयोल ने। उनने क्या कहा था कि भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर द टू साइड्स ऑफ एन वेइंग मशीन। जो अपनी जो तराजू होती है ना उसके दो साइड है वो। ठीक है, अगर वो प्रॉपर होंगे, जैसे देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में भी समझ में आ जाएगा, और आपको ये जो डायग्राम दिया हुआ है इधर पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आप किसी वर्कर को कोई काम देते हो, अथॉरिटी देते हो, तो आपको उसके प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि आपको ये काम करना है, तो उसके रिगार्डिंग उसको उतनी अथॉरिटी भी मिलना चाहिए कि यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको खुद कर सके। ठीक है, अब जैसे कि बात करो कि एक जनरल एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक कोई मैंने मशीन लेके आया हूँ और मैं मैनेजर हूँ, मैंने उसमें बोल दिया कि आपको ये काम करना है, मैंने उनको अथॉरिटी दे दी, मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये काम करना है। अब वो मशीन का एक नट ढीला है, लेकिन मैंने उनको ये अथॉरिटी नहीं दी कि भैया वो कोई भी नट को टाइट कर सकते हैं या कुछ भी मशीन में छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ये अथॉरिटी नहीं दी। तो भैया जब तक वो मुझसे परमिशन नहीं ले लेंगे कि मैं वो नट ढीला है उसको टाइट कर लूँ, तब तक के वो आगे काम उसमें नहीं कर पाएंगे, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, काम में डिले आ जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हेनरी फयोल ने इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया था कि आप अगर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आप उतनी ही अथॉरिटी उनको, वर्कर को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उतनी अथॉरिटी भी आप दें ताकि जो काम है वो इफेक्टिवली हो सके। और उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान दिया था उन्होंने कि भैया काम क्या हो सके सिंसियरिटी के साथ हो। ठीक, अगर जाहिर सी बात है अगर अपन जनरल सिनेरियो में भी देखें तो कोई भी वर्कर या कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ काम करेगा तो जो गोल बनाए हैं वो जाहिर सी बात है वो अचीव हो जाएंगे। अगर आपने स्टडी का एक एम बनाया है कि ट्वेल्थ में हमें इतने परसेंट बनाना है और आप उस पर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो तो भैया वो हो जाएगा, है ना। फिर हो सकता है उसमें कुछ रुकावटें आएँ, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप उस रुकावटों को दूर कर सकोगे। ठीक है, वहाँ पर मैटर करता है, मैटर ऑफ फैक्टर्स कि आप कितने सिंसियर हो, आप कितने डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैनेजर ने क्या, हेनरी फयोल ने क्या किया था कि भैया जितने भी वर्कर्स हैं उनके उनका मोराल इतना बूस्ट कर दिया जाए, उनको इस तरीके से उनके इंटरेस्ट को इस तरीके से ट्रांसवर्स चेंज कर दिया जाए ताकि क्या किया, ताकि वो अपने पूरे सिंसियरिटी के साथ डिसिप्लिन के साथ काम करें। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, यूनिटी ऑफ कमांड और हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। यूनिटी ऑफ कमांड और हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, दो अलग अलग नाम से उधर पर बोला गया है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि कमांड में क्या हो, यूनिटी हो। यूनिटी मतलब कि एक सा कमांड मिले और एक ही व्यक्ति से कमांड मिले। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक सा कमांड मिले कि भैया आपको अगर मार्केटिंग मैनेजर ने बोल दिया कि इस चीज़ में आप मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर की अगर मैं दोनों की अलग अलग बात करता हूँ तो मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है कि आप 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते और सेल्स मैनेजर बोल रहा है कि आप 10% तक डिस्काउंट दे सकते हो, तो भैया सेल्समैन कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी सुनूँ। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा केओस जनरेट कर देगा और जिसके कारण क्या होगा, काम इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या बात आ जाती है के यूनिटी ऑफ कमांड के, भैया मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर हो या आपका सेल्स मैनेजर हो, दोनों क्या करें, एक सा ही कमांड दें। यदि दोनों सेम कमांड देंगे तो काम कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और काम अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है भाई, आपको डायरेक्शन जो मिल रहा है वो भी क्या हो, एक ही तरीके का हो डायरेक्शन, आपको जो निर्देश मिल रहा है वो एक ही तरीके का। देखिए इसका एग्जांपल जो बहुत दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम ऑफ द फुटबॉल, ऑल ऑफ देम कोऑर्डिनेटेड देयर एक्शन टू मूव टू कॉमन गोल, इन द सेम वे द एफर्ट ऑफ एन ऑल एम्प्लॉय शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीविंग द गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर एक टीम, अगर फुटबॉल टीम भी देख लें अपन, तो उसमें भैया 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर के 11 प्लेयर के एफर्ट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, एक ही कॉमन गोल की तरफ उनका ध्यान होता है कि भैया दे हैव टू शूट द गोल, उनको भैया गोल बॉल को गोल पोस्ट में शूट करना है, तो उनको ये चीज़ उनका दिमाग में रहता है, एक कॉमन गोल रहता है 11 के 11 प्लेयरों का, तो उनका जो काम रहता है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, टीम एफर्ट्स में होता है। वैसे ही क्या है कि आपको डायरेक्शन भी, जितने वर्कर हैं सबको डायरेक्शन एक ही तरीके का होना चाहिए, मतलब सबके गोल्स क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ताकि जो मैनेजेरियल गोल्स हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइज के गोल हैं, वो अचीव किए जा सकें। ठीक है, तो ये डायरेक्शन से आपको समझ में जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रेजेंट होता है तब क्या होता है कि भैया डायरेक्शन टॉप और लेवल अथॉरिटी से लोअर लेवल अथॉरिटी तक जाता है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एब्सेंट होता है तो भैया स्कैटर्ड वे में डायरेक्शन जाता है, टॉप लेवल मिडिल को दे रहा है, मिडिल लेवल टॉप को दे रहा है, कुछ भी किसी को भी डायरेक्शन देते रहते हैं। ठीक है, तो स्कैटर्ड हो जाता है आपका पूरा यहाँ पे।
डायरेक्शन का चार्ट, ठीक। फिर उसके बाद आगे देखें अपन, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कह रहा है कि भैया जितने भी वर्कर हैं सबके सब इंडिविजुअल पर्सन हैं, तो सबके इंडिविजुअल पर्सन होने के साथ साथ उनके खुद के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होंगे। कि भैया सपोज करो मैं कहीं वर्कर हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है। ऐसे ही सबके अलग अलग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होंगे। अगर सबके इंटरेस्ट को एक इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए या ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, किसके फेवर में, फर्म के फेवर में, तो क्या होगा, सबके सब इफेक्टिवली काम करेंगे और सबके सबके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि उनका एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। मैंने सपोज़ किया कि मैं मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, ये मेरा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब भैया मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैं सैलरी की उम्मीद कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैनेजर का काम बनता है कि भैया वो इस तरीके से मेरे को मोटिवेट करे या बाकी वर्कर्स को मोटिवेट करे कि भैया आप इस तरीके से काम जनरेट करके दें, इससे इतना बेनिफिट फर्म को होगा और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको भी ऐसा ऐसा होगा। तो जिसके कारण क्या होगा, मैं ज़्यादा मोटिवेटेड होकर ज़्यादा मोराल के साथ काम करूँगा, ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ काम करूँगा, जिसके कारण क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, अचीव हो पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। भाई ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ है कि आप अगर वर्कर से काम करवा रहे हो तो आप उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दें, प्रॉपर सैलरी दें, जो भी उनका वेज बन रहा है वेज दें, कमीशन जो भी बन रहा है वो प्रॉपर दें। यदि आप प्रॉपर सैलरी नहीं देंगे तो वो क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे और भैया या तो काम क्विट कर देंगे या तो अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा भैया, आपने जो गोल बनाया वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत देखें आपको यहाँ पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया आप प्रॉपर वर्कर्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम सैलरी वगैरह प्रोवाइड करें, जितनी भी आपकी बात है वो उस तरीके से आप उनको प्रोवाइड करें और एडिकेट अमाउंट ऑफ सैलरी प्रोवाइड करें। यदि आप उनसे ज़्यादा काम ले रहे हैं तो उतनी सैलरी प्रोवाइड करें, कम काम ले रहे हैं तो उस हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करें, ताकि क्या हो, एक बैलेंस बना रहे उनके काम के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका क्या, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि भैया फयोल के हिसाब से कुछ काम ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, जैसे कि भैया टॉप अथॉरिटी जो है वही पॉलिसी वगैरह बनाए, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही पॉलिसी बनाए, तो एक सेंट्रलाइजेशन हो, वो काम किसी को ना बांटा जाए। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि कुछ अथॉरिटीज़ किसी वर्कर को दे दें, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ अथॉरिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दी या कुछ अथॉरिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे दी, तो क्या करा उनने, कुछ हद तक के कुछ अथॉरिटीज़ को डिसेंट्रलाइज कर दिया और कुछ हद तक कुछ जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो मैनेजर ने खुद के लिए रख लिया और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है उनने क्या कर दिया, उसको बांट दिया। तो इससे क्या हो गया, जो वर्कलोड ऑफ मैनेजर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दे पाएगा, ना कि उस चीज़ पे ध्यान रखेगा वो कि भैया मेरे मशीन के नट वगैरह बराबर टाइट है कि नहीं है, क्योंकि उसने उसके रिगार्डिंग अथॉरिटी तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे चुका होता है। तो क्या होता है कि भैया वर्कलोड कम होने के कारण प्रॉपर बैलेंस बना रहता है, तो काम प्रॉपरली हो पाता है और क्या होता है कि जो पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो पाती हैं और ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं। फिर एक स्केल, अब अपन स्केलर चेन को देखते हैं। स्केलर चेन क्या है कि भैया एक प्रिंसिपल है, एंड्रयू फयोल ने जो प्रोपाउंड किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि भैया अपन ने जो ऊपर देखा था यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, कि भैया यूनिटी कमांड और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही पर्टिकुलर पर्सन से आना चाहिए, वैसे ही क्या है कि यूनिटी ऑफ कम्युनिकेशन को उनने कंसिडर किया है स्केलर चेन का, कि भैया यूनिटी ऑफ कम्युनिकेशन इस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए कि उसमें एक यूनिटी हो, तो मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, एंड देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल कम्युनिकेट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो एक इसी तरीके की चेन को जो फॉलो करेंगे वो जाती है क्या, स्केलर चेन, ठीक है। अब यहाँ पे स्केलर चेन के बारे में, ये स्केलर चेन इसलिए मैं और बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि कई बार आपका जो स्टेट बोर्ड है वो इसी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर स्केलर चेन को ही कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर चेन। तो पर्टिकुलर आपसे पूरे प्रिंसिपल्स नहीं पूछा उसने, खाली स्केलर चेन को ही पूछ लिया, तो आपको तब स्केलर चेन को ही लिखना है। अभी तो आपके पास 14 प्रिंसिपल हैं तो आप कोई सा भी प्रिंसिपल लिख सकते हो आपके पसंद के, बट जब स्केलर चेन ही पर्टिकुलर आपसे पूछा गया हो तो आपको उसके बारे में ही लिखना है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय गैंग प्लैंक। अब ये गैंग प्लैंक होता क्या है, अब ये जो डायग्राम है इसमें आपको इजीली समझ में जाएगा कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगल है क्या, देखें समझे। ए जो है आपका वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजर है, या अपन कह सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, वो भैया हाईएस्ट ऑफिसर हो गया किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके नीचे बी सी डी ई एफ है, ए बी से बात कर रहा है, बी सी से, सी डी से, डी ई से, ई एफ से, वैसे ही इस तरफ पे ए के नीचे एल एम एन ओ पी है, ठीक है। अब इधर से एक चीज़ समझ में जाएगी कि बी और एल दोनों सेम लेवल के पर्सनल हैं, सी एंड एम ये भी सेम लेवल के पर्सनल हैं, वैसे ही आपको एफ़ और पी दिख रहा होगा, इधर पे एक जो डॉटेड लाइंस है,
ठीक है, तो वो डॉटेड लाइन क्या है? वो डॉटेड लाइन गैंग प्लैंक है। अब वो है क्या? एफ और पी भी सेम लेवल के वर्कर हैं। अब वो जो सेम लेवल के वर्कर हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने का जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो रूट को क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है, उस रूट को हेनरी फेयोल ने गैंग प्लैंक कंसिडर किया था। ठीक है, फिर आपका एक ऑर्डर है कि भैया एक ऑर्डर फॉलो हो कि भैया पहले ये काम होगा फिर इसके बाद ये काम होगा, फिर इक्विटी, सबको इक्वल राइट होना चाहिए, किसी को कम किसी को कम ज़्यादा ऐसे ना देखा जाए वर्कर में। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल को स्टेबल करना कि भैया उनको एक अश्योरेंस देना कि हाँ आपको हम जॉब से नहीं निकालेंगे, आपको एक श्योरिटी दे दी कि हाँ आपका फ्यूचर स्टेबल है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ काम कर पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब होता है पहल करना। अब भैया किसी वर्कर को कोई चीज़ मालूम है लेकिन वो डर के मारे पहल नहीं कर रहा, तो वो बहुत एक हार्मफुल सिचुएशन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो डर के मारे आगे नहीं आ रहा कि भैया मेरे को अगर काम गलत हो गया तो मुझे हो सकता है शायद जॉब से निकाल दे या कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेज उसको उसके फेस करना पड़े। लेकिन मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर कौन होता है कि भैया वो वर्कर्स को इनिशिएट करने के लिए मोटिवेट करे कि आप भी कोई काम को इनिशिएट करें। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एस्पिरेट डी कॉप्स। एस्पिरेट डी कॉप्स को अगर अपन देखा जाए तो ये फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि भैया आपके अंदर एक टीम स्पिरिट को जगा देना, आप ज़्यादा मतलब डिवोशनल हो जाओ कि आप जिस काम को कर रहे हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो उसके लिए आप डिवोशनल हो जाओ, मतलब ईमानदारी से, अपने पूरी ईमानदारी से उस काम को आप करो। ठीक है, तो ये लॉयल्टी है, डिवोशन है कि भैया आप कितने लॉयल हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, आपके काम के प्रति। यदि आप लॉयल हो गए तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम कर पाओगे। ठीक, अब यहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो खत्म हो गए जो हेनरी फयोल ने प्रपाउंड किए थे। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट वही है जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अनचेंजेबल हैं। ठीक है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कमांड हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया एंड कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रपाउंडेड बाय एफ डब्ल्यू टेलर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बाय।